और आयुष्मान की आर्टिकल 15 दोनों ही फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। यूं कहें कि दोनों ही फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि आर्टिकल 15 ने 4 दिनों में ही 24 करोड़ 1 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 15 महज 3 दिनों में ही अपना बजट निकाल चुकी है। फिल्म को लेकर यूं तो काफी विवाद हो रहा है, उसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आयुष्मान ने इस फिल्म के जरिए अपनी पुरानी फिल्मों को भी धूल चटा दी है। वहीं बात करें कबीर सिंह की तो ये फिल्म 21 जून को रिलीज हुई थी और अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। एक साइको लवर की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, तभी तो ये फिल्म वीकडेज में शानदार कमाई कर रही है। बता दें कि जहां कबीर सिंह ने अपने दूसरे सोमवार को 9 करोड़ 7 लाख रुपए का कारोबार किया था, वहीं आर्टिकल 15 ने अपने पहले सोमवार को 3 करोड़ 97 लाख रुपए की कमाई की थी। कहना गलत नहीं होगा कि आयुष्मान की फिल्म शाहिद की कबीर सिंह को कड़ी टक्कर दे रही है। बता दें कि इन दिनों कंटेंट वाली फिल्मों का बोलबाला है, जिसमें दर्शकों को कुछ अलग और नई कहानियां देखने को मिल रही हैं। इन दोनों ही फिल्मों की कमाई को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगले हफ्ते भी इन्हीं का राज चलने वाला है, क्योंकि 5 जुलाई को कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। ऐसे में आर्टिकल 15 और कबीर सिंह की कमाई पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। वैसे आपको इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। It was great. Yeah. The dialogues come and come. लेकिन जो उनका get up था वो I don't know about that, but movie was good. Yeah. She was also good. आपके बाद जब start होती है उसके बाद काफी boring होती है। नहीं, उनका कम रोल था, शाहिद कपूर का ज्यादा था। वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में ही थी, मिडल में बिल्कुल नहीं थे। शाहिद ने जो अपना काम किया वो बहुत ही अच्छा किया। शाहिद 11 एड बने उसके, 11 के डायलॉग कम है लेकिन जो क्यूट ठीक था मैम, ऐसा मतलब अच्छी दिखाई। फैमिली के लिए नहीं है लेकिन जो भी था बेस्ट था, अच्छा था। सही था, 4.5 कैसी लगी आपको? मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसा है कि जो शाहिद कपूर का काम है आई थिंक उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट काम बोल सकते हैं। उनको जो एक्टिंग की है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और जो कियारा है वो क्यूटनेस, उनके डायलॉग कम है फिल्म में कियारा के, लेकिन जो उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी दिखाई दी। केमिस्ट्री अच्छी है। हाँ सर, आपको कैसा लगता है कि मतलब जो शाहिद कपूर की अब तक की मूवीज थी उसमें से ये इनका ब्लॉकबस्टर नहीं होगा? ब्लॉकबस्टर तो मैं नहीं बोल सकता ये साबित होगा, लेकिन हाँ ये है कि शाहिद कपूर ने जो एक्टिंग की है वो बहुत काबिल तारीफ है और वो बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने। स्क्रीन प्ले और सॉन्ग के बारे में क्या बोलना? सॉन्ग एक अच्छा है, जो बेखुदी में भी तेरी इस टाइप ख्याल है, बेख्याली में भी तेरा ख्याल है, वो बहुत सॉन्ग अच्छा है। और इसके अलावा बाकी आई थिंक ज़्यादा सॉन्ग अच्छे नहीं बोल सकते। हाँ स्क्रीन प्ले जो है हाफ के बाद काफ़ी लूज हो जाता है। फिल्म का बेस्ट 5 कितना देना चाहिए? मैं 3 दूंगा। फिल्म का बेस्ट गुड हाउ वाज शाहिद एंड कियारा केमिस्ट्री? या या दे वर गुड, कियारा डिडंट हैव मच ऑफ दिस बट ओके। या हाउ वाज द स्टोरी लाइन एंड सॉन्ग? एनी या इट वाज अ लिटिल हेवी एंड टू बट इट वाज गुड ओवरऑल। शाहिद द चॉकलेट बॉय इज मेड टू वर्क। या ही वाज वेरी गुड। या आउट ऑफ 5 हाउ मच यू वांट टू गिव? 4। ब्यूटीफुल मूवी, शायद इस क्लास, शायद तो वैसे ही एक्टर अच्छा ही है, इसलिए अच्छा नहीं एक्टर, बट ब्यूटीफुल मूवी, इज डन अ गुड जॉब, द पिक्चर इज गुड, द म्यूजिक इज गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज द एंडिंग, मेक्स यू क्राई ऑफ सिनेमा। नहीं बहुत अच्छा, बहुत द स्टोरी इज वेरी गुड, तो एवरीथिंग इज गुड, द थिंग सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा है, सॉन्ग्स एक्चुअली सॉन्ग्स ज़्यादा डाल दिए। पिक्चर बिकम्स वेरी थोड़ा लेंथी भी है तो बीच बीच में थोड़ा बोर होता है, बट एंड में एकदम पिकअप कर लेते हैं। ये शो सेवन सेवन परफेक्ट मूवी एंड एज वी नो दैट वाज ऑसम मूवी। आई या वी लाइक्ड इट। हाउ वाज शाहिद इन द मूवी? शाहिद वाज सुपर्ब एंड बेसिकली द मूवी वाज बेस्ड ऑन द इंडियन लव स्टोरी इन विच द डैड कम्स एंड स्पॉइल्स द लव स्टोरी बट एट द एंड ही गिव्स ब्लेसिंग टू बोथ देम। Shahid is awesome. And our blessings are with the movie. All the best, Shahid. And songs. Yes, yes. Super duper fan of Shahid from starting. Different look mein nazar aaye Shahid. Yes.
बहुत अच्छा लगा लाइक जिस हिसाब से उन्होंने करा रोल लाइक ही इज नॉट ड्रगोलिक एंड द ड्रिंकोलिक राइट सो उन्होंने जिस हिसाब से मूवी में कॉपी करा ड्रग्स लिया एंड इट वॉज अ परफेक्ट इट वॉज गुड ऑसम इट वॉज या नॉट एस लाइक ऑल सॉन्ग्स आर गुड बट द मेरे सोनिया वॉज अ ऑसम सॉन्ग या 4.8 4.8 Thank you. It was really really good. I think the romance which they have which they have portrayed it was really raw. Something I have not seen on the screen since very long time. And I think this was Shahid's one of the best performance ever. So I think this movie is going to be his best movie ever in his career. And I wish him all the luck. And I was there in the movie, so I saw myself as well. Really, really good movie. And I wish Shahid all the best. And I hope the movie does really good business on the box office. That's all, yeah. Thank you. Awesome, mind blowing. I think the rawness of that love story is the real feel of the movie, and that's the best part of the movie. Yeah, I'm part of the movie and I have felt something like this as well in my real life. So I really connected with the movie as well. Any song which like if you can sing for us, I really liked Bekhayali. I really liked that song. What is that? Tera Ban Jaunga. I really liked that song. Tera Ban Jaunga and all the songs of the movie are great. So yeah, I loved it. At least four. Yeah, thank you so much. Will you just say, the movie is not good at all, so just don't watch the movie. And I'll tell you one thing, Kiara Advani is okay in the movie. Shahid Kapoor might be good, but eventually the movie is all lovey-dovey romantic types and there is nothing you can watch. Just don't go. Thank you. Out of 5, how much? 1.5. Okay, thank you. Last one. So how was the movie? Movie to bahut achhi yaar, bahut bahut zyada achhi hai. शायद तो हर हर अलग अलग पार्ट में दिखाया गया तो वो बहुत अच्छा लगा हर पार्ट में अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं कि वो ड्रग से तो नफरत हो रही उसमें भी वो अच्छा लग रहा है बस प्यार है उसको देखिए फिर से प्यार हो गए देखा है ली देखा है फाइसिक आपको जितना चाहिए उतना ले लो मुझसे इट्स वेरी नाइस एवरीवन शुड डेफिनेटली वॉच इट Like anything you want to ask in particular? Sorry? Anything you want to ask me in particular? Yeah. How was Shahid's look in the movie? Shahid has done a really good job. Although I would like to say one thing to the audience, people who haven't seen Arjun Reddy, please watch Kabir Singh first and then watch Arjun Reddy. Otherwise, you will end up, you know, comparing both the characters, which are different. Okay. Yeah, Shahid has tried to pull off the character in a different way. If you watch Arjun Reddy first, Vijay Deverakonda was a newcomer. It's a remake, right? It's a remake, but. You end up comparing the character, right? Yeah. Vijay Deverakonda is a fresh face. We have never seen him. If you watch Arjun Reddy first, then watch Kabir Singh, you will compare Shahid's performance to his performance, which is not fair. Because we have seen Shahid in so many movies earlier. Yeah. So, how was Shahid and Kiara? Shahid has done a very good job. Shahid, Kiara and Shahid's chemistry is nice. Last scene of the movie, their chemistry goes a little off. But it's okay. Overall, movie is really nice. Bekhayali is of course one of the best tracks in the movie. I think everyone likes it. Although my horrible voice wouldn't do justice to the song, so I would not sing it. So out of 5, how much you would give? 3.5. Thank you. So how was the movie? Amazing. Shahid is brilliant in the movie. Yeah. बहुत अच्छी केमिस्ट्री काफ़ी नेचुरल दिखी है और मतलब बहुत ऑडियंस को बांध के रखने वाली केमिस्ट्री है अच्छी हम हाँ और सबको पता है कि शाहिद ऐसे बैड बॉय किरदार में लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं बीट कंपनी और उड़ता पंजाब एंड इवन इन बदमाश कंपनी जब भी वो ऐसे रोल प्ले करते हैं वी रियली लव्ड हिम यम बेख्याली आई रियली लव्ड इट एंड बाकी सब सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं या नहीं स्टोरी लाइन एक्चुअली बहुत अच्छी है तभी इतने 3 घंटे की मूवी है आजकल अब आदत भी चली गई है इतनी लंबी मूवी देखने की पर ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ख़त्म हो जाए खिंच रही है मूवी काफ़ी इंगेजिंग है स्टोरी लाइन 5 out of 5 बिकॉज फॉर शायद
Shahid, we love you, Shahid, and all the best for all your upcoming movies. Yeah, welcome. I think it's worth watching because of Shahid Kapoor. It's his best performance till date. बिल्कुल अलग अवतार, एक्सट्रीम एग्रेशन, एक्सट्रीम एंगर, और इसके साथ साथ ही इज एन अल्कोहलिक, ही इज अ ड्रग एडिक्ट, ही इज अ वोमेनाइजर एंड ही इज इन अ मेडिकल प्रोफेशन. तो आप सोच सकते हैं कि अगर डायरेक्टर ने ध्यान नहीं होता तो इट वुड हैव गॉन हेवायर. बट वो प्रोटैगनिस्ट नो फिर भी वो नेगेटिविटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करके ही बिकम्स अ पॉजिटिव पर्सन बिकॉज हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट हिम, तो वो बहुत काबिल तारीफ है. स्टोरी बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, आई थिंक ऑल द परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड. कायरा अडवाणी का बहुत अच्छा रोल है, एक दो इमोशनल सीन्स है जहाँ पे उनका एक्चुअली एक्टिंग देखने में आती है. और उसके साथ निकिता दत्ता सेकेंड लीड जो है उनका भी बहुत अच्छा किरदार है हीरोइन का. एंड ऑल द सपोर्टिंग एक्टर्स, अर्जुन बाजवान के बड़े भाई, सुरेश ओबेरॉय उनके फादर, सबके बहुत अच्छे रोल्स हैं. और म्यूजिक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का. बेख्याली एक सॉन्ग है विच स्टेज विद यू एंड अदर सॉन्ग्स विच प्ले इन द बैकग्राउंड. तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज. अमेजिंग, दे लुक रियली हॉट. और जो भी सीन में आते हैं ना वो इंटेंसिटी वो देखने को मिलती है. तो बहुत ही सिजलिंग केमिस्ट्री है दोनों की. बेख्याली एक सोनियो गाना है लास्ट में. बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई डोंट नो. 3.5. देखिए नॉर्मल पिक्चर से थोड़ी हटके है. एक पढ़ा लिखा नौजवान है, डॉक्टर है, सर्जन है, वो भी गुस्सा अपने काबू में नहीं रख सकता है और वो एक लड़की से प्यार कर बैठता है और प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसकी दुनिया ही पूरी उजड़ जाती है. अलग तरह से पिक्चर बनाई है. पहले जो लैला मजनू और उस टाइप की पिक्चर थी ना, ये मॉडर्न, उसको उसका मॉडर्न रूप दिया गया है. शाहिद का रोल बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रोल उसने किया है. और जो हीरोइन है किया अडवाणी, वो भी बहुत सुंदर लगती है, केमिस्ट्री जमती है. पहला इंटरवल के पहले हीरोइन का रोल है, उसके बाद तो वो आती भी नहीं है. लेकिन वो जो दो चार लव सॉन्ग्स हैं और कॉलेज लाइफ बताया, वो बहुत अच्छा बताया. गाना तो नहीं याद रहता है लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा था. नहीं नहीं, हम लोग फुल फैमिली आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इसमें इसका जो शराब और सिगरेट और सेक्स जो इसमें बताया गया ना, तो भाई पहले ना बोली कि मैं नहीं आऊँगी, तुम देख के आओ, हमको ये पसंद नहीं है करके. रिव्यू तो अभी बच्चे हैं, लड़के लड़की वो लोग तो देखेंगे, क्योंकि शाहिद कपूर का जो पिक्चर आता है वो अच्छा ही आता है, एक्टिंग अच्छी आती है, हीरोइन नहीं है, हीरोइन का रोल अच्छा है. इसमें इसका एक दोस्त है शिवा, उसका रोल बहुत ही टचिंग है और बहुत बढ़िया रोल किया उसने. 5 में से 3 दूंगा इसको. माइंड ब्लोइंग मूवी, पैसा वसूल, टोटल पैसा वसूल. या श्योर, शायद कल आऊँगा फिर देखने के लिए, आज तो नहीं आ पाऊँगा, श्योर आऊँगा देखने के लिए. हाँ, अलग ही साइको, उनका जो साइको वाला लुक है, साइको उनको साइको बताया गया है, कुछ कुछ बदल जाते हैं कभी कभी प्यार में, तो ओनली फॉर लव, तो इसीलिए वो साइको हो गए हैं लव के लिए. तो मैं बोलना चाहूँगा साइको मत होइए, जो प्यार करते हैं छोड़ के मत जाइए सच्चे दिल से. तो मूवी वॉज ऑसम एंड स्टोरी इज आपको दिल को छू जाएगा, आपको उठने नहीं देगी सीट से. एंड जो बेहतरीन मोमेंट है क्लाइमेक्स, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, आपको मूवी देखने पड़ेगी. तो सबसे बेस्ट पार्ट है क्लाइमेक्स, आपको पता चलेगा, आपको रुला देगी. हाँ 174 मिनट्स, हाँ 3 घंटे की, तो लगभग 3 घंटे की है. तो कुछ कोई भी एक सीन नहीं है बोरिंग है. मैं आपको बोल रहा हूँ आप उठ नहीं पाएंगे सीट से, ऐसा मूवी बना है कि सही से नहीं दिखा है आपको, पूरा पब्लिक को खींच के रखेगी, सीट पे बैठा के रखेगी, आप उठ नहीं पाएंगे. सो ब्यूटीफुल, सो माइंड ब्लोइंग, क्या ऑसम केमिस्ट्री था, लव स्टोरी. नहीं, इमोशनल लव स्टोरी जो है वो बहुत इमोशनल है. या आई एम सो कनेक्टेड. Any particular song जो आप हमारे लिए गा सकते हो, कभी
गा सकता है, गाना याद नहीं है, जो बेकरारी सॉन्ग है वो ज़्यादा टचेबल है मेरा हाथ में, बहुत अच्छा है गाना। 5 out of 5, थैंक यू सो मच।